जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये जो एसएससी जीडी के बारे में 2021 के बारे में, आप सभी को पता होगा कि जैसे बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, मेरे को जितने भी जो नए लड़के जुड़ते हैं या जो पुराने वाले जुड़ते हैं उनमें से कईयों को ये कन्फ्यूज़ रहता है कि कितने परसेंटेज अनिवार्य है एसएससी जीडी के लिए। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10th क्लास में कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। दोस्तों एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आती है या जो इस बार की जो नोटिफिकेशन है या जो उसकी नई अपडेट के अनुसार आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, आपको सभी को पता है। जैसे नेवी एयरफोर्स चाहे आर्मी, आर्मी के लिए आपको सभी को पता है 45% आपके होने चाहिए विदाउट एनी ग्रीस 10th क्लास में, ठीक है। और नेवी एयरफोर्स के लिए जितने भी डिफेंस है सभी के लिए एक फिक्स परसेंटेज सेट किया हुआ रहता है कि इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए, उस तभी आपका एडमिट कार्ड, वो आपका कार्ड आएगा या आपका मतलब फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसी प्रकार से एसएससी जीडी के लिए क्या मापदंड है, इसके बारे में मेरे पास में इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर इसके लिए मतलब कितने परसेंटेज होने चाहिए। और ये कई लोगों के दिल में भी होगा क्वेश्चन, कई मान लो अगर नहीं भी आ रहे हैं कईयों के, तो कई लोगों के दिल में भी होगा कि मेरे मतलब परसेंटेज कितने होने चाहिए ताकि मैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर सकूं, और मेरा जो एज का क्राइटेरिया वो भी कितना होना चाहिए। साथ में दोनों चीज़ इसमें क्लियर करूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, और एक बात और, अगर आप एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए मेरे में। आने वाले कुछ दिन में मैं उस पर मैथ और रीजनिंग की और सभी सब्जेक्ट की मतलब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, शानदार से अच्छी पीडीएफ, और साथ में मैथ और रीजनिंग की क्लास भी चैनल पर चलने वाली है कुछ ही दिनों में। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि कितने परसेंटेज होने चाहिए। दोस्तों वैसे आपको छोटा सा सिंपल सा अगर उदाहरण दूँ एसएससी जीडी का, इससे पहले या अभी का या जितने भी कॉन्स्टेबल जीडी की वैकेंसी आती है उनमें मैं एक बात बता दूं कि डिफेंस के अलावा वैसे तो और कहीं पे भी ये फिक्स मापदंड नहीं है कि इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए। वैसे एयरफोर्स में आपका देखा होगा, एयरफोर्स नेवी में, कि डिमांड तो केवल 60% की करते हैं कि कम से कम 60% उनके होने चाहिए, लेकिन 12th क्लास में लेकिन उनका एडमिट कार्ड 75 पे भी नहीं आता, कई बार 65% पे भी नहीं आता, 70% पे भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। लेकिन एसएससी जीडी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो आपके अगर 40% है, आपके 38% है, आपके 36% है या 33% है, यानी आपके कितने भी परसेंटेज है कोई मायने नहीं रखता, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। ये कहीं रूल नहीं है कि आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ फेल हुए हो कहीं पे और सप्लीमेंट्री देखे आप वापस पास हुए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में आप मान लो फेल हुए हो या किसी कारणवश नहीं दिया, अगले साल दिया और उसके बाद में आप पास हुए तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका चाहे कितने भी परसेंटेज हो, 33% से आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए, बस पासिंग नंबर चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 18 से 23 साल होता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए इसमें छूट मिल जाती है, फिर एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की जो छूट मिल जाती है। तो दोस्तों इसका एज का क्राइटेरिया ये फिक्स होता है, इसकी एज की जो काउंटिंग है, वैसे तो नोटिफिकेशन 25 मार्च को आ रही है तो 1 अप्रैल से हो सकती है कि इसकी एज की काउंटिंग हो, लेकिन अगर इस बार कुछ छूट दी जाती है तो बात कुछ अलग बन सकती है, तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद पूरा क्लियर होगा। लेकिन परसेंटेज के लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपके 10th क्लास में चाहे कितने भी परसेंटेज हो, आप अगर पास हो 10th क्लास तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, और अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा और आप फोर्स में ज्वाइन करोगे। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसका एडमिट कार्ड का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपके 38%, 40%, 42%, 35%, 36%, 33% कुछ भी हो आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इसके लिए कई लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर कितने परसेंटेज होने चाहिए ताकि हमारा एडमिट कार्ड आए, ठीक है। तो ये अपडेट चाहिए आप हर बार एस एस जी डी फॉलो करती है, और नहीं जो इस बार का जो रूल रहेगा एस एस जी डी उसमें भी आपको ये सुविधा मिलेगी, आपके कोई फिक्स क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया जाएगा परसेंटेज का। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी और ज़ोर से कर दीजिए, इसमें कोई फालतू का लेना देना नहीं है आपके परसेंटेज का। दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद।